मैं हजारों लोगों के रिजल्ट्स देख चुका हूँ, बहुत सारी केस स्टडीज बना चुका हूँ, हजारों लोगों ने अपनी जर्नीज मेरे साथ शेयर करी है ट्रांसप्लांटेशन की, लेकिन 4 महीने में ऐसा रिजल्ट मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो मुझे इनकी हेयरलाइन में सबसे अच्छी चीज ये लगी है कि फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल का इस्तेमाल किया गया। अब आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मुझे पता है जो भी ये वीडियो देखने सबसे ज्यादा उसी क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं, आपने कहां से ट्रांसप्लांटेशन करवाया और आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना है। ठीक है, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो आप सभी लोगों की फेवरेट वीडियो होने वाली है। फेवरेट इसलिए क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा वही वीडियो पसंद आती है जिसमें पेशेंट खुद आप लोगों को अपना रिजल्ट दिखाते हैं और ये बताते हैं कि हे ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के बाद कैसे उनकी लाइफ चेंज हो गई। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल में ऑलरेडी काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ इंटरव्यू लाए थे जिसमें उन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और उसके बाद अपनी जर्नी शो करी थी। और वीडियो में आप लोगों को बताया था कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कैसा उनका रिजल्ट आया और पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करी थी। जैसा कि आनंद जी का हमने एक बार इंटरव्यू लिया था आज से लगभग 1-2 साल पहले, आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। उसके बाद हमने आशीष जी का इंटरव्यू लिया था, वो वीडियो भी आप लोगों को ज्यादा पसंद आई थी। और कुछ टाइम पहले, लगभग 4 महीने पहले, जो आज हमारे साथ बैठे हैं सौरभ, इनका भी इंटरव्यू हमने लिया था अपने चैनल पर जिस दिन इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और आप लोगों को वो वीडियोस काफी ज्यादा पसंद आई। सो बेसिकली आज सौरभ के हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लगभग 4 महीने हो चुके हैं और आज की वीडियो में आप उनका रिजल्ट देखने वाले हो कि 4 महीने बाद उनका कैसा रिजल्ट आया। काफी ज्यादा एक्साइटेड थे आप, हमारे वीडियोस में कमेंट किया करते थे इनका वीडियो लाओ। तो आज की वीडियो में हम इनके 4 महीने का रिजल्ट आप लोगों को दिखाने वाले हैं और ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं इसलिए कि हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाए, तो वो भी आज खुद सौरभ से जानेंगे। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairlab.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सौरभ का खुद का एक चैनल है जिसमें ये अपने हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। जब से इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था उससे लेके अभी तक डे टू डे ये वीडियोस बनाते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, जितने भी यू नो लोगों के कंफ्यूजन है वो क्लियर करते हैं। तो अभी तक आपने अगर उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नीचे मैं लिंक दे रहा हूं उनके चैनल का, आप वहां पर जाकर इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो सौरभ सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, जब आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपने करवाया था, जब आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का आपने प्लान किया था, राइट, जब आपने डिसीजन ले लिया था कि फाइनली मेरे को ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मतलब आप हेयर ट्रांसप्लांट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपको करवाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, सबसे पहले आप ये डिस्कस कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगा कि वो मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और मेरी जर्नी के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग मेरी सारी वीडियोस में ही काफी अच्छे व्यूज आते हैं, सारे व्यूअर्स देखते हैं, तो मैं काफी खुश हूं और रिजल्ट भी मेरा काफी अच्छा आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखते हैं मेरी वीडियोस में, अभी 4 महीने ही हुए हैं ट्रांसप्लांटेशन को और आज की वीडियो में मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूं। अगर मैं बात करूं कि मेरे को ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो 24 साल की उम्र में ही काफी फ्रंटल हेयर लॉस मेरा पूरा हो चुका था। कहीं भी ज्यादा पार्टीज वगैरह अटेंड करना ही बंद कर दिया था क्योंकि मैं जनरली स्पाइक्स रखता हूँ और उसमें बाल ऊपर को ही रखते हैं और साफ पता चल जाता है कि गंजापन है। Exactly. ठीक है, और अगर मैं बाल नीचे को रखूँ छुपाने के लिए तो मेरे को वो लुक पसंद ही नहीं था अपना। Okay. मेरे को स्पाइक्स रखना ही पसंद था पहले से, क्योंकि जनरली जब बाल झड़ने लगते हैं, रिसीडिंग हेयर लाइन हो जाती है, तो हम सब यही प्रेफर करते हैं कि हेयर स्टाइल अपना चेंज करने बैठते हैं, लाइक अपने बॉल्डनेस को, फ्रंट एरिया को कवर करने के लिए साइड से बाल निकालना स्टार्ट कर देते हैं, बाल को आगे रख देते हैं ताकि पता ना लगे कि भाई मेरे बाल झड़ चुके हैं। हाँ, सेम ऐसा ही मैं करता था, ऑफिस भी मैं बाल ऐसे ही रख के जाता था। कैप वगैरह यूज करने लगा था काफी, तो मतलब अच्छा नहीं लगता था, गर्मियां हो तो भी कैप यूज कर रहा हूँ, गर्मी अलग, अनकंफर्टेबल रहता था। फिर बाद में दोस्त भी टोकने लगे, जब एक्सरसाइज वगैरह करने जाता था, रनिंग वगैरह काफी करता हूँ, तो दोस्त बोलने लगे कि यार तू गंजा हो रहा है वाकई में, मतलब हर दूसरा बंदा रोक देता था कि तेरे बाल जा चुके हैं। हेयर लॉस आपका स्टार्ट कब हुआ था, 24 साल में आपने बताया झड़ चुका स्टार्ट था। मेरा लगभग 21-22 से स्टार्ट हो गया था, मेरे काफी बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद मेडिकेशन वगैरह चलाई मैंने काफी, लेकिन फ्रंटल हेयर लॉस मेरा होता रहा काफी। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेडिकेशन से फर्क नहीं पड़ रहा है और काफी बाल जा चुके हैं और जहाँ जा चुके थे वहाँ मेडिकेशन से वापस आ ही नहीं सकते थे, ये तो मुझे पता था कि जो एरिया मेरा प्लेन हो चुका है वहाँ बाल मेडिकेशन से नहीं आएंगे, तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि अब मुझे ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहिए। ये तो बात रही, आपने बताया कि आपको ट्रांसप्लांटेशन क्यों करवाना पड़ा, राइट, आपके बहुत ज्यादा रिसीडिंग हेयर लाइन हो चुका था, आपको लगा ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन है क्योंकि मेडिसिन भी आपने आई थिंक ले ली थी। अब मैं बात करूँ कि जब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मुझे ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, आप क्या चाहते थे एक ट्रांसप्लांटेशन से?
मेरी एक जो मेन एक्सपेक्टेशन थी ट्रांसप्लांटेशन से वो सिर्फ एक ही थी कि जो मेरा 19-20 साल की उम्र में जो हेयर स्टाइल था जो मैं लुक रखता था स्पाइक्स वो मुझे वापस मिल जाए बस, ताकि मेरा लुक पहले जैसा लगे। नहीं, मैं इनके केस में एक और चीज सबसे ज्यादा पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आप लोगों के ना काफी कमेंट्स एक्चुअली ऐसे आ रहे थे, काफी लोगों को ये लगता था क्योंकि मेरी जितनी वीडियोस आप देखते हो मैं एक ही हेयर स्टाइल रखता हूँ राइट, स्टार्टिंग से जब से मेरा रिजल्ट आया, तो लोगों को ये लगने लगा था कि हमें ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक ही हेयर स्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ चीजें थी, हो सकता है मैंने वीडियो में कभी इस चीज को पॉइंट आउट किया नहीं, लेकिन मैं आज की वीडियो में स्पेशली एग्जांपल हमारे सामने है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही हेयर स्टाइल को कंटिन्यू रखना है राइट। काफी लोगों के कमेंट भी आए थे कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद सर एक ही हेयर स्टाइल हमें जिंदगी भर मेंटेन करना पड़ेगा, तो हमें फायदा क्या ट्रांसप्लांटेशन का, एक ही तरीके के बाल बनाने पड़ेंगे। देखो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं ऐसे बाल बनाता हूं, मैं चाहूं मैं कैसे भी बाल बना लूं। मैं सौरभ की बात करूं, आप इनका अगर हेयर स्टाइल देखो ट्रांसप्लांटेशन से पहले स्पाइक्स रखते थे, अभी बताया खड़े करते थे बाल, ट्रांसप्लांटेशन के बाद 4 महीने हो चुके हैं आप देखिए वैसे वापस से वैसा यू नो हेयर स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो ये तो डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल है। सो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद हमें एक ही हेयर स्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसा हेयर स्टाइल रखना चाहते हो आप वैसा ही हेयर स्टाइल रखो, ये आपके नेचुरल हेयर है। मुझे पर्सनली मेरा ये स्टाइल पसंद है, सौरभ को स्पाइक्स रखना पसंद था तो वो ऑब्वियसली ट्रांसप्लांटेशन के बाद स्पाइक्स रख रहे हैं। ट्रांसप्लांटेशन से पहले मैं स्पाइक्स ही रखता था क्योंकि मेरे पे सूट करता था, काफी लोग बोलते थे, फ्रेंड्स भी बोलते थे सूट करता है, और मैं ट्रेंड के हिसाब से चलना पसंद करता हूँ। जैसे मेरे को नए नए स्टाइल रखना पसंद है, ये स्टाइल भी हो सकता है मैं कुछ टाइम बाद चेंज कर दूँ, मेरे बाल लंबे होंगे काफी, तो मैं ये स्टाइल भी चेंज करूंगा और कुछ नया स्टाइल रखने की सोचूंगा। अभी तो फिलहाल मेरे को ये बेस्ट लग रहा है अभी के हिसाब से, बाकी देखते हैं। सबसे बड़ा जो मेरा कंसर्न था वो था हेयर लाइन, इसको लेके मैं और क्लिनिक भी विजिट करे, हेयर लाइन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। मैं जनरली बता रहा हूँ, मैंने बहुत जगह देखा, दिल्ली में भी मैंने बहुत क्लिनिक विजिट करे, लेकिन हेयर लाइन के ऊपर इतनी बात ही नहीं होती थी, सिर्फ ट्रांसप्लांट के ऊपर बात होती थी कि आपके इतने ग्राफ्स लगने हैं, इतना कॉस्ट आना है, बाकी हेयर लाइन के ऊपर कोई बात नहीं थी। मैं अपनी हेयर लाइन नेचुरल रखना चाहता था कि बिल्कुल भी आर्टिफिशियल फेक ना लगे, कि कोई भी देख के ये बोल रहा है कि यार तुमने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा शायद, है ना। तो ये चीज़ें थी, तो बस मेरी यही एक्सपेक्टेशन थी कि पुराना वाला सेम रिजल्ट जैसे पहले मेरे बाल थे वैसे ही आ जाए, और होपफुली वो चीज़ हो भी गई है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। अभी तो 4 महीने हुए, अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था 9 to 12 months में आपका 100% रिजल्ट आता है, ये फैक्ट है। अभी भी मैं यही बोलूंगा अपने व्यूअर्स को कि अभी भी मेरा आधा रिजल्ट आया है सिर्फ, और अभी मेरी डेंसिटी से डबल होगी। Like your confidence. अच्छा सौरभ एक बात बताइए, जैसा कि मैं आपका भी रिजल्ट देख पा रहा हूँ, सिर्फ 4 महीने हुए आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन को राइट, और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ अभी तक 4 महीने में मैंने अपने अलावा किसी का ऐसा रिजल्ट नहीं देखा था मैं राइट। मैं हजारों लोगों के रिजल्ट देख चुका हूँ, बहुत सारी केस स्टडीज बना चुका हूँ, हजारों लोगों ने अपनी जर्नीज मेरे साथ शेयर करी है ट्रांसप्लांटेशन की, लेकिन बिलीव मी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो 4 महीने में ऐसा रिजल्ट मैंने अभी तक नहीं देखा था। और इनफैक्ट जब आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया था तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आपके रिजल्ट आने में कम से कम 6 से 8 महीना लगेगा, ऑल दो आप बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता मेरा रिजल्ट जल्दी आ जाए, लेकिन मैंने फैक्चुअल बात जो थी वो आपको बताई थी कम से कम 6 से 8 महीना वेट करना पड़ेगा। तो अभी आपको कैसा फील होता है कि 4 महीने में इतना अच्छा आपका रिजल्ट आ गया? काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि कम से कम जो 2-3 महीने और वेट करना था। कई बार रहता है जब हम कोई भी चीज़ कराते हैं तो एक पेशेंस, हम इंसान हैं ऑब्वियस है, तो पेशेंस हमारे अंदर नहीं होते है ना, तो मैंने सोचा कि यार जल्दी से जल्दी रिजल्ट आया था, और होपफुली आया अभी 4 महीने में। लेकिन और भी व्यूअर्स है, मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि देखिए अगर 4 महीने में, ज़रूरी नहीं सबका मेरे जैसा रिजल्ट आए, पहली बात ये ठीक है, टाइम लगता है, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा अगर आपने एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन कराया है, तो रिजल्ट आपका डेफिनेटली आएगा। हो सकता है जितना मेरा 4 महीने में आया उतना आपका 6 महीने में आए, लेकिन रिजल्ट आएगा ठीक है। बस होपफुली किस्मत अच्छी थी 4 महीने में आ गया, तो काफी बढ़िया लग रहा है। ये चीज मैं व्यूवर्स को काफी बार बता चुका हूँ और बताता रहता हूँ कि आपका रिजल्ट आपके बॉडी रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है राइट। देखिए ट्रांसप्लांटेशन अगर आपका अच्छा से हुआ है, अच्छी जगह से हुआ है, अच्छे हाथों से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और अच्छे तरीके से हुआ है ना, रिजल्ट आपका 100% आने वाला है। हो सकता है आपका 6 महीने में आए, 8 महीने में आए, 10 महीने में आए और 4 महीने में भी आ जाए जैसे इनका आया, लेकिन अगर ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हुआ है तो 100% रिजल्ट आएगा। आपको पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं है कि सौरभ का अगर 4 महीने में आ गया तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है। काफी लोग हमारी वीडियोस में भी कमेंट कर रहे थे कि सौरभ का 3 महीने में ग्रोथ आनी स्टार्ट होगी, सर मेरा तो 4 महीने हो गया रिजल्ट नहीं आया। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती, हर किसी की बॉडी सौरभ जैसी नहीं है, हर किसी की बॉडी मेरी जैसी नहीं है, हर इंडिविजुअल की अपना एक बॉडी रिस्पॉन्स होता है राइट। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे क्लिनिक से हुआ है ना तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। हो सकता है वो थोड़ा लेट आए, लेकिन 100% आपका रिजल्ट आएगा। आपको बस पेशेंस रखना है क्योंकि एक अच्छा क्लिनिक हमेशा फोकस करता है अच्छी हेयरलाइन पे, अच्छी डेंसिटी में और एक अच्छी प्लानिंग में। जितना ग्राफ्ट की आपके रिक्वायरमेंट है उतने ग्राफ्ट की एक्सट्रैक्ट किए जाए, उतने ग्राफ्ट ही लगाए जाए। जैसे सौरभ ने बताया काफी क्लिनिक्स आप विजिट कर चुके थे, आप दिल्ली से हो आई थिंक, दिल्ली में आपने काफी क्लिनिक में विजिट किया था। अभी जब आप वीडियो शूट करने से पहले आप डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ, आपकी वीडियो में भी कमेंट आ रहे थे कि वो जो क्लिनिक्स आपने कराया वो क्लिनिक कुछ बोल रहे थे बहुत अच्छा है, कुछ लोगों को डाउट था क्लिनिक को लेके, तो उस चीज को लेके आप क्या
कहना चाहोगे? एक्चुअली काफ़ी व्यूअर्स मेरे ट्रांसप्लांट करा चुके हैं उस क्लिनिक से और कॉन्टेक्ट में सब्सक्राइबर्स जी, और बात भी होती है मेरी काफ़ी उससे, और जो भी डाउट रहते हैं पूछते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी वहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं, काफ़ी लोग करा रहे हैं, तो पहली चीज़ तो मैं ये बोल दूँ कि अपने दिमाग से बिल्कुल एकदम स्ट्रेस निकाल दीजिए कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन क्लिनिक है जितना मैंने देखा है अब तक, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है वो, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दे रहा है, और जितने लोगों ने अब तक ट्रांसप्लांट कराया है वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड है कि अच्छी डेंसिटी, अच्छी हेयरलाइन मिल रही है उन्हें। इससे आप अपने चैनल पर उनकी वीडियो लाते हो जो? बिल्कुल, मैं अभी कुछ दिनों बाद ही मैं अपने 2-3 सब्सक्राइबर है जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है उनकी वीडियो शेयर करूंगा कि उनके कितने ग्राफ्ट लगे हैं और कैसी हेयरलाइन। सब्सक्राइबर ने ट्रांसप्लांट कराया कि 2-3 सब्सक्राइबर ने वीडियो बनाने के लिए अलाउ किया? 2-3 सब्सक्राइबर ने वीडियो, हर कोई वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं करता है आपको, जैसे कि बताया कि वो चाहते हैं कि बैडनेस प्राइवेसी नाम की चीज होती है उनके लिए, तो वही है। तो बाकी कुछ लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने मेरे को खुद बोला कि सर आप हमारी वीडियोस भी यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सब्सक्राइबर खुद बोल रहे हैं कि सर हमारी वीडियोस भी दिखाइए, तो मैं बिल्कुल उनकी वीडियोस भी दिखाऊंगा। एक हमारे हैं शरद पांडे नाम है उनका, तो उनसे भी बात हुई थी, तो उनकी वीडियोस भी दिखाऊंगा मैं कि उनके कितने ग्राफ्स लगे हैं और कैसी हेयरलाइन बनी है, कितनी कॉस्टिंग बढ़ी है उन्हें लगभग। आप बेसिकली सेटिस्फाइड हो क्योंकि जिस कॉस्टिंग में आपने ट्रांसप्लांटेशन कराया, जिस प्लेस में आपने ट्रांसप्लांटेशन कराया, दिल्ली जैसी जगह, आपको पता है बहुत कंपटीशन है दिल्ली में, आप सभी जानते हैं बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, तो आपको क्या कंफ्यूजन था कि मैं जहां ट्रांसप्लांटेशन करवा रहा हूं क्या वो क्लिनिक अच्छा होगा कि नहीं, और अभी क्या फील करते हो कि हाँ भाई मैंने सही जगह से ट्रांसप्लांटेशन करवाया कि नहीं करवाया? देखिए मैं जनरली बोलूँ, जब मैं ग्रेटर कैलाश पहुंचा तो दिल्ली का वन ऑफ द पॉश एरिया है वो, काफ़ी मेरे को लगा काफ़ी महंगा होगा, मैं डर गया उस टाइम पे, बोला यार क्या करूँ, विजिट करूँ क्लिनिक नहीं, विजिट कर लिया। फिर जब मैंने कॉस्टिंग सुनी, डॉक्टर्स देखे वहाँ पर और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, मैंने सोच लिया था कि मतलब हेयरलाइन के ऊपर भी बात करी डॉक्टर से मुझे, मतलब उन्होंने समझाया कि हेयरलाइन मतलब फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से हेयरलाइन दी जाती है ताकि बिल्कुल भी फेक ना लगे वहाँ पर, है ना। तो मैं काफ़ी खुश था मतलब कि हाँ फाइनली मुझे अब एक क्लिनिक मिल गया है और मैं अपना ट्रांसप्लांटेशन कराऊँगा। तो कॉस्टिंग मेरी जो पड़ी वो इंक्लूडिंग PRP 35,000, उसमें 2 PRP मेरी इंक्लूड थी और मेडिसिन वगैरह मिला के 35,000, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। चलो प्राइसिंग की तो बात रही, अब मैं क्लिनिक की बात करूँ तो क्लिनिक सही था, आपको लगा कि आपने सही क्लिनिक चूज किया? बहुत हाँ, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि क्लिनिक काफ़ी अच्छा लगा मुझे, डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हेल्पफुल थे, ठीक है। और उसके बाद अब मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर वहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं, उनसे बात होती है, वो भी बोलते हैं कि सर बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, और उनको काफ़ी अच्छी हेयरलाइन दी जाती है, डेंसिटी दी जाती है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं ही नहीं, मेरे सब्सक्राइबर जो ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड है अपने ट्रांसप्लांटेशन से। अच्छा सौरभ, एक बात बताओ, काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है राइट, हमारे काफ़ी व्यूवर्स हैं जो नीचे कमेंट भी किया करते हैं कि यंग एज में आपको ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना चाहिए क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ जाएंगे। जब मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था मैं सिर्फ 21-22 साल का था, और जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो उस समय यूट्यूब में ज़्यादा चैनल थे भी नहीं, तो लोग नीचे कमेंट किया करते थे भाई ट्रांसप्लांटेशन तुमने करवा लिया राइट, बड़ा खुश हो रहा है तू ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद, हेयरलाइन तेरी अच्छी होगी, लेकिन 6-8 महीने बाद जो तेरे पुराने बाल हैं वो झड़ जाएंगे, कमेंट किया करते थे, अभी हमारे वीडियोस में वो कमेंट्स अवेलेबल होंगे। मुझे पता था उस समय कि अपने एग्जिस्टिंग हेयर को कैसे मेंटेन करना है, मेरे को पता था कि आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर को बचा सकते हो। आपके मन में भी कुछ डाउट था कि चलो मैं ट्रांसप्लांटेशन तो अभी करवा लूंगा तो जो मेरे पुराने बाल हैं उनको मैं कैसे टेक केयर करूं, आपको भी लगता था कि वो भी बाल झड़ जाएंगे? स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट था मुझे कि मेरे बाल उस टाइम पे काफी झड़ रहे थे, बहुत मतलब ऐसे हाथ मारता था, काफी बाल हाथ में आते थे। फिर उसके बाद जनरली बताऊं, मैंने आप ही की वीडियोस देखी है, ठीक है, आपकी जर्नी को उस टाइम पे लगभग 4 साल हो चुके थे ट्रांसप्लांटेशन को, 4 साल से ज़्यादा हो चुका था, देखा आपको कि हाँ इनके बाल वैसी की वैसी है, तो एक कॉन्फिडेंस वहाँ से भी आया। वहाँ से फिर मैंने देखा कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी ना बचाने के लिए एग्जिस्टिंग हेयर को, है ना, तो डॉक्टर से कंसर्न करा तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी एग्जिस्टिंग हेयर आपके नहीं जाने वाले, ठीक है, उन्होंने मेरे बालों की क्वालिटी देखी, सब कुछ देखा, फाइनली फिर मैंने ट्रांसप्लांटेशन कराया। और अभी क्या कंडीशन है आपके एग्जिस्टिंग हेयर की? अभी दिखने में तो बहुत, दिखने में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत डेंस लग रहे हैं, लेकिन अभी पर्सनली क्या एग्जिस्टिंग हेयर झड़ते हैं? पर्सनली बताऊँ तो मैं अभी कैमरे के आगे भी दिखा दूंगा, मैं ऐसे हाथ मारूंगा, एक भी बाल हाथ में नहीं आता है बिल्कुल, मतलब मेडिकेशन ले रहे हो आप? अभी कोई मेडिकेशन, मैं बताया है मैंने व्यूअर्स को पहले भी कि सिर्फ मैंने 1 हफ्ते जो मुझे मेडिकेशन दिया था वो लिया, बाकी मेरे को मेडिकेशन दिया डॉक्टर्स ने कि आप 3-4 मंथ चलाइए, लेकिन मैंने मेडिकेशन नहीं चलाई, मैं सिर्फ अभी मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ जो मैं सिर्फ 1 या 1.5 महीने और यूज़ करूँगा, फिर धीरे धीरे वो भी बंद करूँगा। अच्छा वैसे मुझे सौरभ के केस में सबसे अच्छी एक बात लगती है, जैसे मैं आपको अभी फेस टू फेस देख रहा हूँ राइट, अभी जो व्यूवर्स हैं वो भी कैमरे में इनका रिजल्ट देख रहे होंगे, मुझे सबसे अच्छी बात इनकी रिजल्ट में एक चीज़ लगी, जब इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था ना, जब इनके साथ सर्जरी की वीडियो बनाई थी मैंने बैठ के इंटरव्यू लिया था, मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि इनके जो टेम्पल क्रिएशन और हेयर लाइन है बहुत अच्छी तरीके से इस पर वर्क हुआ है राइट, इनका मुझे उसी दिन पता
लग गया था कि इनका एंगुलेशन और डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया और प्रॉपर डेंसिटी दी गई है। आज 4 महीने हो चुके इनके रिजल्ट को और मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही था उस टाइम पे, क्योंकि अभी जो इनकी हेयरलाइन आई है वो काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है। मतलब अगर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे क्लोजअप व्यू में, तो मुझे इनकी हेयरलाइन में सबसे अच्छी चीज ये लगी है कि फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल का इस्तेमाल किया गया है। मतलब आप देखिए बिल्कुल भी मोटे बाल आपको फ्रंट हेयरलाइन में नहीं दिख रहे होंगे, जिस वजह से इनका जो लुक है वो बहुत ज्यादा नेचुरल लग रहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इनके फ्रंट में मोटे मोटे बाल लगा दिए जाते, मल्टी हेयर फॉलिकल लगा दिए जाते, तो इनका लुक काफी आर्टिफिशियल लगता, विग टाइप का एक अपीयरेंस आता। टेम्पल्स की बात करूं तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था इनके टेम्पल क्रिएशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ गया है, और आप अब देख सकते हो 4 महीने बाद परफेक्टली टेम्पल बिल्कुल एक नेचुरल टेम्पल्स की तरफ ब्लेंड हो रखे हैं। जो हेयर है टेम्पल में बहुत पतले पतले बाल आए हैं, मतलब कोई देख के बता ही नहीं सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है टेम्पल क्रिएशन। फ्रंट हेयरलाइन अनडाउटली बेस्ट, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इनकी फ्रंट हेयरलाइन है, ये एंगुलेशन प्रॉपर हुई है। मतलब आपने काफी हेयरलाइन ऐसी देखी होगी जहाँ पे खड़े खड़े बाल लगा दिए जाते हैं, तो वो भी बहुत आर्टिफिशियल लगती है। लेकिन सौरभ की हेयरलाइन देखिए स्पेशली बहुत अच्छी तरीके से आई है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो क्लिनिक का था। डॉक्टर ने इनकी प्लानिंग करी, 1200 से 1500 आई थिंक इनके ग्राफ लगे, और आप देख सकते हैं बहुत नेचुरल इनका लुक आया है। और इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आप कहीं से भी अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन ले लो, प्रॉपर जान लो कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है क्या वो रियलिस्टिक है कि नहीं। क्योंकि उस समय सौरभ की एक्सपेक्टेशन बहुत नॉर्मल थी, इनको एक ऐसी हेयरलाइन चाहिए थी जो नेचुरल लगे, इनको कोई ज्यादा एग्रेसिव हेयरलाइन नहीं चाहिए थी, इनको एक नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन चाहिए थी। इनका पता था कि भाई मेरे को स्पाइस रखना है तो मेरे को एक नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन दे दो, ताकि यू नो जो कोई देख के बता ना पाए कि ट्रांसप्लांटेशन करवाया और पुराना जैसा मेरा लुक आ जाए। ऐसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन आपको डिस्कस करनी है डॉक्टर के साथ कि वो रियलिस्टिक है कि नहीं। अगर रियलिस्टिक है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट परफेक्ट आएगा। अच्छा सौरभ, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मुझे पता है जो भी ये वीडियो देखने सबसे ज्यादा उसी क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं। आपने कहां से ट्रांसप्लांटेशन करवाया और आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आया? पहले तो मैं क्लिनिक का नाम आपके चैनल पर नहीं ले सकता, क्योंकि लेकिन आप बता दो कहां से करवाया। मैं इतना बता सकता हूं कि हां मैंने दिल्ली से करवाया है अपना ट्रांसप्लांटेशन। और कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग मेरी 35,000 पड़ी है लगभग, इंक्लूडिंग मेडिसिन एंड पीआरपी। उसमें पीआरपी भी इंक्लूड थी और मेडिसिन भी इंक्लूड थी। लेकिन जनरली पीआरपी और मेडिसिन अलग से दिया जाता है क्लिनिक्स में। हां, लेकिन यहां पर मेरे पैकेज में ही इंक्लूड था। और क्लिनिक का नाम तो सर मैं अपने चैनल पे बताता रहता हूं, व्यूअर्स को पता ही है तो वहां पर पता चल जाएगा सबको कि क्लिनिक का नाम क्या है। आप इनके चैनल पर जा सकते हो, वहां पे इन्होंने पूरा डिटेल्स दे रखी है कॉस्टिंग क्लिनिक को लेकर। लेकिन मैं अपने चैनल पर सिर्फ कॉस्टिंग पर डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि लोगों को कॉस्टिंग पर ज्यादा फोकस रहता है कितनी कॉस्ट पर ट्रांसप्लांटेशन हुआ, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था। लेकिन पर ग्राफ की कॉस्टिंग क्या थी क्लिनिक में? पर ग्राफ 20-25 रुपीज है। तो दिल्ली में तो 20-25 इज एन अफोर्डेबल प्राइस आई है। आपने और क्लिनिक भी विजिट किए होंगे, वहाँ पे तो लगभग 40-50-60 तक भी। तो 60 के हिसाब से तो लगभग 1 लाख प्लस आपका जाता है। बिल्कुल, और मैं फिर कभी ना करवाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो हर किसी की पर्सनल चॉइस है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अगर आपके पास बजट है तो आप बिल्कुल करवाइए, चाहे 60 या 70, 100 रुपीज पर ग्राफ में भी ट्रांसप्लांटेशन करवाइए। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा सकते, आप तभी भी ट्रांसप्लांटेशन करवा दो अफोर्डेबल प्राइस में। सर एक और चीज बोलना चाहूंगा, लेकिन जितना मैंने अब तक ऑब्जर्व करा है, देखा है कि कॉस्टिंग पे आपका रिजल्ट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ऑब्वियसली मैंने 60-70 रुपए का जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन कराया उनका रिजल्ट भी बिगड़ते हुए देखा है। ऑब्वियसली आपने तो एक अच्छा क्लिनिक पे ही डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो सौरभ काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, लगभग हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, 4 महीने बाद ही मिलने आए तो मैंने इनके साथ वीडियो बनाया। अभी मैं 6 महीने बाद इनकी एक और वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसमें ये दिखाऊंगा कि 4 महीने में रिजल्ट तो इनका आ गया, आप लोगों को लग रहा है रिजल्ट आ गया, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं इनका 20-30% रिजल्ट आना बाकी है। वो मैं आपको 6 महीने बाद दिखाऊंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा कि 2 महीने में कितना ज्यादा डिफरेंस आया। तो 6 महीने बाद दोबारा इनसे मिलेंगे, दोबारा इनके साथ वीडियो बनाएंगे, दोबारा कन्वर्सेशन करेंगे। आज की कन्वर्सेशन मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम हम ऐसी ही काफी वीडियोस लाने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।